तो देखिए आपके सामने स्क्रीन पर एक नंबर है 24 × 916। अब इसको यदि बोला जाए कि मेंटली गुना करना है या आपको बिना गुना करने इसका आंसर बताना है, तो क्या आप कर सकते हैं? यदि आप कर भी सकते हैं तो मैं तो नहीं कर सकता हूँ, तो क्या करेंगे? चलिए देखते हैं आगे। 24 × 916, अब इसको यदि बोला जाए कि मेंटली आपको गुना करना है या बिना गुना किए आपको आंसर बताना है, तो मुझे तो नहीं लगता कि एक झलक में इसको हम गुना कर पाएंगे, तो क्या करेंगे? अब मेरे पास क्या है, 24 × 916 ही है, लेकिन मेरे पास ऑप्शन भी आ गया है। ए बी सी के रूप में तीन ऑप्शन है। अब यहाँ से लगता है कि हाँ, तीन में से कोई एक ऑप्शन मेरा सही होगा। दैट मीन्स 24 × 916 का आंसर इन्हीं तीनों में से कोई एक होगा। अब इसमें से तीनों में से एक का चयन करना रहेगा कि कौन करेक्ट आंसर होगा। ये बोलिए आप कर सकते हैं? देखिए इसमें भी मेरा कितना डिफिकल्टी लेवल बढ़ गया कि मान लीजिए 4 और 6 यूनिट डिजिट 4 और 6 का हम यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौके 24, सबका यूनिट डिजिट लास्ट में 24 का 4 आ रहा है, सबका इनिशियल में 2 आ रहा है। तो यहाँ पर ये कहना कि ए होगा या बी होगा या सी होगा बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो इसको आप आसान कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। देखिए क्या करेंगे हम, बीजांक। क्या करेंगे? बीजांक। क्वेश्चन का सबसे पहले बीजांक निकालेंगे। बीजांक उजांक छोड़िए, हम आपको सरल में बताते हैं। 2 और 4 का ऐड करेंगे कितना आएगा? 6। अब यहाँ पर देखिए हमको ये सब में से 9 को हटा देना रहता है, तो 9 तो ऑटोमेटिक ये कैंसिल आउट हो जाएगा। बचा किया 1 और 6, इसको ऐड करेंगे कितना आएगा? 7। अब दोनों के बीच मल्टीपल के फॉर्म में है तो इसको हम गुना कर देंगे, 6 और 7 42। अब अल्टीमेटली इसको यूनिट डिजिट लाने के लिए तब तक हम इसको बीजांक निकालते रहेंगे। दैट मीन्स 42 को हम फिर यूनिट डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए दोनों को ऐड कर देंगे, 4 और 2 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा फाइनली क्वेश्चन का बीजांक कितना निकल गया? 6। अब ये तीनों ऑप्शन में से हमको 6 निकालना है या 6 ढूंढना है, तो कैसे ढूंढेंगे? चलिए सबसे पहले पहला ऑप्शन देखते हैं, 9 तो ऐसे ही कैंसिल आउट। अब फिर हमको 9 का जोड़ा बना के उसको भी कैंसिल आउट करना रहता है, तो 8 और ये दो में से एक लिए 9, तो बचा क्या यहाँ 1 और 4 5, तो इस ऑप्शन में मेरा 5 आ रहा है, तो 6 नहीं मिल रहा है, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। दैट मीन्स 24 × 916 का मल्टीप्लीकेशन का एक ऑप्शन मतलब रिजल्ट ये नहीं होगा। सेकंड चलते हैं, चलिए 9 तो ऐसे ही कैंसिल आउट, फिर हम 9 बनाना है तो 3 और 2 3 और 2 5 और 1 4 3 9 कैंसिल आउट, बचा क्या सिर्फ 1। चलिए यहाँ भी मेरा ऑप्शन में नहीं मिल रहा है क्योंकि हमको बीजांक 6 चाहिए, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल आउट। अब फाइनली ये 9 कट गया, 8 और 1 ये 9 कट गया, 2 और 4 कितना बचा? 2 और 4 6। तो देखिए ये मेरा थर्ड ऑप्शन मैच कर गया, तो ये मेरा राइट आंसर होगा। दैट मीन्स 24 × 916 का आप आंसर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपके पास आपका जो आंसर होगा 21984 होगा। तो इस तरह बीजांक का उपयोग करके आप आसानी से ऑप्शन यदि आपको दिया रहता है तो आप उसमें से एक को चूज़ कर सकते हैं। हाँ, तो ये हम लोगों ने देख लिया, थोड़ा और डिफ़िकल्ट लेवल को बढ़ाते हैं और एक नया कोई प्रॉब्लम हम लेते हैं। चलिए मेरे पास ये आ गया, 53 × 67 × 23, ये सब का मल्टीप्लाई करने पर हमारा जो आंसर आएगा वो क्या होगा यदि मेरे पास ऑप्शन दिया हुआ रहता, क्योंकि मेरे या आपके पास कभी के कंपटीशन के टाइम में या ऑब्जेक्टिव के टाइम में हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम इसका मल्टीप्लाई करके इसका हम आंसर निकालें, तो वही हम फंडा यूज करेंगे, क्या? बीजांक। तो क्वेश्चन को हम पहले शॉर्ट आउट करते हैं, दैट मीन्स 9 हम निकालते हैं, तो 5 और 3 8 ये हो गया,
ये 8 दे रहा है, 6 और 7 कितना हो गया, 7 और 6 13, 13 मतलब 1 और 3, तो इसको अल्टीमेटली फिर ऐड कर देंगे 13 को, तो 1 और 3 4 हो जाएगा, ये 2 और 3 कितना हो जाएगा 5। तो चूंकि ये तीनों मल्टीपल के फॉर्म में है तो सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 5 20 और 20 8 160 160। अब इसको फाइनली करेंगे तो हम 6 और 1 7 आ रहा है, बीजांग मेरा क्वेश्चन का हो गया 7। तो सब में फाइंड आउट करते हैं कि 7 कहाँ मिल रहा है। देखिए 8 और 1 9 कैंसिल आउट, कितना मज़ेदार चीज़ है। अब 6 और इसमें से हम 3 और दे देते हैं तो 6 और 3 9 हो जाएगा, तो बचेगा इसके पास सिर्फ 3 और 1 4। तो यहाँ पर मेरा कितना बच रहा है, 4, पहला ऑप्शन 4 दे रहा है जो बीजांक नहीं होगा, तो ये ऑप्शन कैंसिल आउट। सेकंड ऑप्शन के पास जाते हैं, 8 और 1 9 कैंसिल आउट, 6 और 2 8 बच रहा है, तो 8 तो मेरा है नहीं, हमारा बीजांक 7 होना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन कैंसिल आउट। फाइनली यहाँ आते हैं हम, 8 और 1 9 कैंसिल आउट, 6 और 3 9 कैंसिल आउट, बचा कितना 7। तो कितना आसानी से हम बोल सकते हैं कि 53 × 67 × 23 का जो रिजल्ट होगा वो 81673 होगा, दैट मीन्स ऑप्शन सी इट इज़ राइट आंसर। तो बहुत ही इजीली हम लोग इसमें बीजांक के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको हम एक एग्जांपल के साथ और छोड़ के जाते हैं, इसका आप आंसर बताइए कि 45 × 32 × 36 × 91 का बीजांक, मतलब इन तीन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और हमारा वीडियो यदि आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ चैनल को डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।